Justice! Liberty! 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 48-47 घंटे की ड्यूटी लेते हैं हमारे से, हम कभी मना नहीं करते। हर बार दिल्ली पुलिस ही क्यों बलि का बकरा बनती है। बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। मैं हूं जब्बार खान और वक्त है दिन के सबसे बड़ी बहस का। विडंबना है कि जिनके कंधों पर सुरक्षा देने की जिम्मेदारियां होती हैं, जिनके कंधों पर जुर्म के खिलाफ में एक्शन लेना होता है, और जब वही सुरक्षा मांगने लग जाए, जब वही एक्शन की डिमांड करने लग जाए, तो फिर क्या कहा जाए। और ये सब कुछ हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। याद कीजिए वो दौर जब 1988 का दौर था, किरण बेदी डीसीपी हुआ करती थी। कुछ ऐसा ही मामला एक वकील और पुलिस वालों के बीच में हुआ था। किरण बेदी ने लाठीचार्ज करा दी थी और इसके बाद में मामला अदालत में गया और उसका जो नतीजा सामने आया वो पुलिस के अगेंस्ट वकीलों के फेवर में आया। तो क्या यह मान लिया जाए कि पुलिस और वकील के बीच में जो 36 का आंकड़ा है उसमें 1988 का वो केस और उसके बाद में कोर्ट का वो फैसला, जिसे वकील एक मजबूत कड़ी के तौर पर देखते हैं और इसलिए मोरली वकील पुलिसों के साथ में जब इस किस्म का टसल होता है तो फिर तमाम मर्यादा को भूल जाते हैं। मगर सवाल इस बात का कि 30,000 कोर्ट में जो कुछ हुआ गलती किसकी रही और उसके बाद में क्या कुछ नहीं हुआ। दो जंगली जानवरों की तरह पुलिस के समूह और वकीलों के समूह के बीच में जो कुछ देश और दुनिया ने देखा उस पर न सिर्फ शर्म आ रही है बल्कि उस पर यह कहा जाना चाहिए कि आगे आने वाले वक्त में ऐसी गाइडलाइन सख्ती से पालन कराई जानी चाहिए जिसके बाद में कम से कम वकीलों और पुलिस वालों की तरफ से ऐसे एक्शन या फिर ऐसे उपद्रव की उम्मीद खत्म हो जाए, शंकाएं खत्म हो जाए। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि महज पार्किंग के विवाद से शुरू हुआ मसला आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने, उन्हीं के पुलिसकर्मी ये कहते हैं कि हमें हमारा सीपी किरण बेदी जैसा होना चाहिए, यानी कि अपने ही मुखिया की न सिर्फ आलोचना कर रहे हैं बल्कि किसी भी कीमत पर अपने धरना को खत्म करने के लिए तैयार नहीं, मगर दूसरी तरफ वकील भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आखिर इस विवाद के पीछे की असल वजह क्या है, इस टसल के पीछे की असल वजह क्या है? क्या यह विवाद सुलझ सकता था? क्या यह हंगामा वक्त रहते नॉर्मल किया जा सकता था? तो फिर गलती किसकी हुई? गृह मंत्रालय खामोश क्यों रहा? दिल्ली के LG खामोश क्यों रहे? दिल्ली सरकार खामोश क्यों रही? और क्यों पुलिस कर्मियों और वकीलों को छोड़ दिया गया कि आप लोग लड़ते और भिड़ते रहिए? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, मगर उससे पहले कि हम चर्चा की तरफ बढ़े अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराएं, आइए निगाह इस रिपोर्ट पर डालते हैं। दिल्ली पुलिस ही क्यों बलिका बकरा बनती है? हम एक दिन भी मूर्ति मिलाने बंद करते हैं, भूखे मर जाएंगे वकील सारे के सारे। 48-47 घंटे की ड्यूटी लेते हैं हमारे से, हम कभी मना नहीं करते और हमारे साथ ये व्यवहार होता है। हमारी फैमिली शाम को डरी होती है इस तरह की जब घटनाक्रम होते हैं। वर्दी को चुन चुन के मारा जा रहा है। देश की राजधानी में कानून के रखवाले आज इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ उस कांड के बाद जो कोर्ट से शुरू हुआ। वो संग्राम आज सड़कों पर है और कानून व्यवस्था घुटनों पर। कानून के रखवाले अपने सबसे बड़े घर यानी हेडक्वार्टर पहुंचे। बिना किसी नुमाइंदे के कानून के रखवाले इंसाफ की उम्मीद में सड़कों पर है। अफसर बेबसी भरी आवाज में अपीलें कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मेरे साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, आप शांति बनाए रखें यहीं पे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका जो कंसर्न है, जो आप में गुस्सा है, जो रोष है, वो बात बिल्कुल ऊपर तक पहुंच चुकी है। सारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके नोटिस में है ये बात कि आप किस वजह से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका यहाँ आना विफल नहीं जाएगा। ऐसा दिल्ली में कभी नहीं हुआ। कभी भी सड़क पर इंसाफ की दुहाई लेकर कानून के रखवाले नहीं उतरे। कभी भी इस तरह किसी खाकी वर्दी वाले की पिटाई नहीं की गई।
रॉब कानून और खाकी का सुना था, लेकिन अब काला कोट डरा रहा है। और काले कोट और खाकी वर्दी की इस जंग में जब आम जनता पिसने लगी तो नेताओं ने इसे राजनीति का अखाड़ा समझ लिया। 72 साल में देश में पहली बार देश की राष्ट्रीय राजधानी की दिल्ली पुलिस, जो गृह मंत्रालय के नीचे आती है, अमित शाह जी के नीचे आती है, सड़कों पर है, न्याय मांग रही है, प्रदर्शन कर रही है। देश में हो क्या रहा है? राष्ट्रीय राजधानी में एक तरफ वकीलों को गोली मारी जा रही है और दूसरी तरफ पुलिस को पीटा जा रहा है। पुलिस खुद न्याय मांग रही है और दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर को दिल्ली पुलिस के जवान घेरे खड़े हैं और गृह मंत्री हैं कि वो पूरा मौन और चुप्पी साधे खड़े हैं। ये जो पूरा लॉलेसनेस दिल्ली में चल रहा है, ये पूरे तौर पर होम मिनिस्ट्री के अंडर है दिल्ली की पुलिस। और आप सोचिए, जब दिल्ली की पुलिस ही यहाँ डेमोंस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ क्या हालात है, और होम मिनिस्ट्री और होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, ये सारे दिल्ली के नागरिक परेशान हैं। कानून के रखवाले सड़क पर हैं और विपक्ष जुबानी हमले कर रहा है। लोग कानून व्यवस्था के बदतर हाल से परेशान हैं और सरकार खामोश है, बस इस उम्मीद में कि बीती बातों को भूल सब ठीक हो जाएगा। इसको दोनों पक्ष को बैठ करके यथाशीघ्र धैर्य से बीती बातों को छोड़ के इस पे बैठना चाहिए। इसी में दिल्ली के, पूरी दिल्ली का और देश का भला है, क्योंकि मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। कानून के रखवाले और इंसाफ दिलाने वाले आज आमने सामने हैं। कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस में कई कमियां हैं, लेकिन हिफाजत का जिम्मा भी उसी पुलिस पर ही है। और ये तो साफ जाहिर है कि कानून को हाथ में लेने का हक किसी वकील को नहीं है। इस बीच सवाल ये भी कि जब सुरक्षा देने वाली पुलिस ही सुरक्षित नहीं, तो हिफाजत का इंतजाम भला कौन करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV। और आपका, आपको बताते हैं और दिखाते हैं और करते हैं R9 TV के वो सवाल जिसके इर्द गिर्द हम अपनी चर्चा को रखेंगे। सबसे पहला सवाल कि पुलिस के साथ अभद्रता क्यों की जा रही है और ऐसा वकीलों ने रोष क्यों दिखाया? पुलिस की हिफाजत की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? पुलिस तो सबकी हिफाजत करती है, वकील कानून व्यवस्था को हाथ में क्यों ले रहे हैं? क्यों डरी हुई है दिल्ली पुलिस? क्या वाकई ऐसा है या फिर इसे एक ड्रामाई शक्ल दिया जा रहा है? पुलिस वकीलों के झगड़े का जिम्मेदार कौन है? आखिर एक मामूली सा विवाद इतने बड़े स्तर पर कैसे पहुंचा? पुलिस प्रदर्शन करेगी तो लोगों की हिफाजत कौन करेगा? तो ये सारे वो सवाल हैं जो आज आम आदमी के जहन में उठ रहे हैं। आइए सीधे चर्चा की तरफ चलते हैं। हमारे साथ में कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है मैडम आपका। साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र चौधरी जी, आपका स्वागत है सर। और आम आदमी पार्टी के नेता रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है सर। साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एके मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत। और वकील सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी दुबे जी हमारे साथ में हैं, आपका भी स्वागत। और इस वक्त हमारे साथ में रिटायर्ड DGP लखनऊ से सूर्य कुमार शुक्ला जी भी जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में आज की इस चर्चा की मैं करना चाह रहा था अश्विनी दुबे जी आपसे, लेकिन मैं रेणु भाटिया जी आपकी तरफ आता हूं। जिस वक्त ये हंगामा हुआ, जिस वक्त ये मुद्दा हुआ और जब गाड़ियां जलाई गई 30,000 कोर्ट में, एक मामूली सा विवाद, वो मामूली सा विवाद इस स्तर पर पहुंच जाए कि पुलिसकर्मी ड्यूटी छोड़कर के धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाए, तो फिर सवाल गृह मंत्रालय पर क्यों ना उठे, क्योंकि उन्हीं के अंडर में तो पुलिस आती है दिल्ली की। जवाहर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर आती है और इस तरह से विवाद हो जाए तो एक ही पहला स्टेप यही होता है कि गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। लेकिन आप ये देखें कि पुलिस और जो वकील हैं, दोनों ही पब्लिक के ऐसे नुमाइंदे हैं जो पब्लिक डीलिंग जिनके साथ सुबह शाम 24 घंटे का एक काम रहता है, परंतु दोनों ने इस मामले को एक ऐसा जो हाइप दी है,
मतलब इस मामले ने ऐसी तूल पकड़ी कि दोनों ही इस बात को नॉर्मल करने में राजी नहीं हो रहे हैं। वकीलों ने जिस तरह से उनके साथ सवाल किया, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि अगर दोनों के बीच में मामला नॉर्मल नहीं हो रहा है तो फिर मुखिया का क्या रोल होता है? क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया? क्या एलजी इस पूरे मामले में किसी तौर पर बीच में आए? आना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है और ये बात विवाद उन तक पहुंचा भी है और इस सारी मामले को शांतिपूर्वक जो है सॉल्व करने का प्रयास भी हो रहा है, लेकिन पुलिस को जिस तरह से बिहेवियर उनको मिला है, पुलिस का यही रोष है कि हमारे साथ जब हम दूसरों की हिफाजत करने के लिए बने हैं तो हमारे साथ अगर इस तरह से होगा, और हम ड्यूटी कर रहे थे, वो जो उनकी पार्किंग वाली विवाद की बात है उसमें दोनों लोग अपनी अपनी तरफ से ड्यूटी पर थे, वकील अपने काम से आए हुए थे और पुलिस वहाँ पर अपनी ड्यूटी पर तैनात थी, लेकिन दोनों में इस विवाद को जो है बहुत हाइप मिली, विवाद बहुत बुरी तरह से बढ़ा, लेकिन दोनों को शांत करने की, दोनों के साथ बैठ कर बात करने की जो चर्चा हो रही है वो जल्द सामने ठीक है। अश्विनी दुबे जी, जब इस पूरे मामले में जुडिशियल इंक्वायरी के लिए बात कह दी गई तो उसके बाद में तो बेमानी सा था कि अब धरना प्रदर्शन किया जाए, मांग किया जाए कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ में सख्त एक्शन होना चाहिए, जबकि दो लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था और अब इस पूरे मामले में दो लोग लाइन हाजिर भी किए गए थे जहां तक मेरी जानकारी में आ रहा है। क्या यह जरूरी था कि इस विवाद को इतना ज्यादा तूल दिया जाता? बिल्कुल, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट का जो डिसीजन था जिसमें उन्होंने 7 पॉइंट हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया चीफ जस्टिस ने, वो बिल्कुल एक्यूरेट और सही रहा, लेकिन उस ऑर्डर के बाद भी जो दोषी पुलिसकर्मी थे जिन्होंने गोली चलाई उनके अरेस्टिंग नहीं हुई। लॉयर्स का क्या कहना था कि हमारे ही कैंपस में जिन्होंने गोली चलाई एटलीस्ट आप उनको अरेस्ट करके हमें जस्टिस दो। क्या ये जहां से नहीं, आप सुबह से मैं देख रहा हूं आप लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, खाकी मांगे इंसाफ, ये पूरा देश जानता है कि जिस तरह से अमानवीय कृत्य पुलिस के लोग करते हैं, 90% इस देश में जो मुकदमे लगाए जाते हैं वो मुकदमे झूठे होते हैं। हम पुलिस के रवैये जो नैरेटिव नहीं सुनिए, मैं पहले मेरी बात, अगर आपने प्रश्न पूछा है पहले प्रश्न पूछा है तो उत्तर सुनने की भी क्षमता रखिए। वकीलों ने विरोध पूछा है, आप यहाँ पर एक दो लोगों को लेकर के पूरे वकील समुदाय को आप जिस तरह से विक्टिमाइज कर रहे हैं, पूरे लॉयर्स फेटर्निटी को आप जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं, LLB वाला गुंडा कर रहे हैं, कितने लोगों ने, एक या दो लोगों ने वो इंसिडेंट कल साकेत वाला आपने देखा होगा, उसकी वजह से आप पूरे देश के वकील समुदाय को जो आप कह रहे हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं, जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, आप और आपके परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर पुलिस झूठा या सही मुकदमा दर्ज करती है तो बड़ी बहादुरी के साथ जाकर के कोर्ट के सामने, अदालत के सामने कहते साहब पुलिस ने यहां गलत किया है। उस वकीलों को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नैरेटिव आपने जब्बार सेट कर दिया। क्या नैरेटिव सेट कर दिया? खाकी मांगे इंसाफ। इंसाफ किसको मिलना चाहिए? इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद मिलना चाहिए था वकीलों को। आप ये बताइए, अगर कोर्ट में वकील गाड़ी नहीं खड़ेगा, सर आप सड़क के एक पहलू को दर्शा रहे हैं। हमने वकीलों के लिए भी ऐसी ही बातें लिखी नहीं, आप नैरेटिव देखिए ना, बातों खाकी मांगे इंसाफ आप चला रहे हैं नीचे। नहीं नहीं सर, जब्बार क्या चला दिया सर? ट्रैफिक पुलिस ने मिले तो कार्यवाही नहीं कर रहे, पुलिस वाला तो उठा कर उसके हाथ में चला क्या कर देंगे? जो बातें आप दे दे रहे हो, ये जो बातें हैं सुनील दुबे जी, ये पुलिस वालों की डिमांड, ये दरअसल पुलिस वालों की डिमांड है, उसे हम चला रहे हैं। हम ये नैरेटिव नहीं सेट कर रहे, विक्टिमाइज मत करें, उसे अपराधी मत घोषित करिए ना, हम ये मीडिया ट्रायल मत करिए, हम ये नैरेटिव सेट नहीं कर रहे। आपने सेट कर दिया नैरेटिव, अपना खुद का प्रोमो उठा करके देखिए, जब 30,000 कोर्ट में हुआ सारी चीजें, हमने वकीलों के फेवर में भी कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, शुरुआती जो आई हमने वो भी चला, उस वक्त तो आपने नहीं कर सके। हुए तमाम विद्वान पैनलिस्ट से, रुकिए रुकिए जब्बार खान एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप अगर बुलाया है तो मेरी बात सुनने का भी आप यहां बैठे हुए तमाम जो विद्वान पैनलिस्ट बैठे उनसे पूछिए, आज उनका मोबाइल चोरी हो जाए 7 से 8 घंटे उसकी NCR कटवाने में थाने में लगेंगे कि नहीं लगेंगे, अगर इन्होंने ना कह दिया तो शायद मेरे को जो कहेंगे। मैं पुलिस के कार्यशैली पर भी आऊंगा, पुलिस को आऊंगा, उस पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ में एक विश्वास दिए हमारे साथ देश के वकीलों को, दो चार लोगों की गलतियों की वजह से आप पूरे देश के वकील समुदाय को दोषी नहीं ठहरा सकते। ठीक है, सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ में लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अश्विनी दुबे जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस दरअसल खुद को विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, पुलिस गलती पुलिस ने किया, विक्टिम कार्ड भी पुलिस प्ले कर रही है और वकीलों के साथ में अब मीडिया भी उनके खिलाफ में एक तरीके से प्रचार कर रहा है और पुलिस के फेवर में चला रहा है। ये जो कुछ हुआ, क्या पुलिस सड़कों पर आकर के विरोध प्रदर्शन करेगी? ये कितना जायज है सर?
पुलिसकर्मी अपने सीपी की ही पुलिस कमिश्नर की नहीं सुन रहे, किस तौर पर आप देख रहे हैं इस पूरी व्यवस्था को? ये मतलब बहुत ही खराब बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी तक कभी मैंने ये नहीं सुना था कि पुलिस के लोग इकट्ठा हो करके अपने हक के लिए, अपने न्याय पाने के लिए इस प्रकार आंदोलित हो रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि अगर पुलिस के लोग जो सामान्यतः अनुशासित माने जाते हैं वो इस प्रकार, तो दोनों बात है कि या तो उनकी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि वो इसको करने को मजबूर हो रहे हैं, और या तो वो सचमुच उद्दंडता कर रहे हैं। दो में एक बात है। अब मैं दोनों बात कहूंगा, जितने पैनलिस्ट बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं तो मैं उनसे सबसे कहूंगा, प्लीज इस देश को पाकिस्तान न बनाइए। जिस तरह से वहां फजलुर रहमान प्रदर्शन करके इमरान सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस तरह हम सब लोगों का फर्ज है कि हम लोग भीड़ तंत्र को किसी तरह बढ़ावा ना दें। कोई भी व्यक्ति वकीलों का न तो पक्ष ले और न पुलिस का पक्ष ले। एक जो जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है उसमें पुलिस भी अपना पक्ष रखे, वकील सवाल यही है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, सूर्य कुमार शुक्ला जी, सवाल ये है कि जब जुडिशियल इंक्वायरी गठित कर दी गई है तो उस पर पुलिस को क्या ऐसा विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था? क्या वकीलों को अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल, ये पुलिस को भी अब कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि जस्ट आप जो निर्णय करेंगे वो उचित करेंगे, कोई पक्षपात नहीं करेंगे, और वकील साहबान को भी कोई दबाव डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम भीड़ तंत्र की तरह दबाव डाल करके कोई काम करें। और ये बेहद अफसोसजनक बात हुई कि दोनों पक्ष अपने को ईगो में, अहंकार में, कि हम ग्रुप कल्चर की तरह, क्यों पार्किंग की बात को लेकर विवाद हो जाए तो उसके लिए ग्रुप बना करके लड़ाई करने लगे। ये बहुत ही अफसोस की बात है, और दोनों तरफ से ये गलतियां हुई कि बजाय इसके कि बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य आ जाएं और समझा बुझाकर बार काउंसिल ने अब इसमें पहल की है, लेकिन आज 5 नवंबर को जाकर के अब एक पहल की है, चिट्ठी बार एसोसिएशन के लोगों को लिखा है। मगर मैं आपसे जितेंद्र चौधरी जी समझना चाह रहा हूं, आज आपकी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है कि ये मोदी का नया न्यू इंडिया है, नया भारत है, हाउ इज जोश इज वेरी लो, इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल आप कटाक्ष कर रहे। मगर जिस वाक्य का जिक्र मैंने अपने शुरुआती कमेंट में, ओपनिंग में किया था कि जब किरण बेदी ने लाठी चार्ज करवाई थी उस वक्त भी अदालत ने 100 मोटो लेकर के उस पर पूरा फैसला सुनाया था, तो उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी। क्या अपने वक्त को आप भूल जाते हैं? देखिए, यही तो दिक्कत है। आप जब कोई कोई सुनिए सर, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं सर, मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर उस वक्त सही था तो आज कैसे गलत हो गया? उस वक्त गलत था तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हमने गलती की। मुझे बोलने तो दो जी। जो प्रथम दृष्टया हमको लगता है, देखो मैं, हम जो ना तो वकीलों की बात करेंगे ना ही हम पुलिस की बात करेंगे। जैसे ही प्रथम दृष्टया ये झड़प हुई थी, इसका कारण क्या था? सबसे पहले जो हमारे पास वीडियो है, दुनिया भर की वीडियो मैं आपको दे दूं, इस टीवी चैनल पर किसी पर नहीं चल रही है, उसमें सबसे पहले उस वकील को, सर सुन लीजिए, एक बयान सुन लेते हैं विभाग की तरफ से, एक बयान सुन लेते हैं, एक बयान सुन लेते हैं, जरा सुनवाइए बयान को, फुल स्क्रीन लीजिए, एक सेकंड सर, सबके लोगों को पता लग गया है कि आप लोगों की समस्याएं क्या है और आपके दिन में क्या गुबार है, वो सब आप लोग निकाल चुके हैं सुबह से लेकर शाम तक। इसलिए लिहाजा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है लास्ट के अंदर कि आप लोग अपने अपने घरों को चले जाइए, अपने ड्यूटी पोस्ट पे चले जाइए। थैंक यू वेरी मच, दिल्ली पुलिस की सभा। धन्यवाद सर। अब मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुरंत अभी यहां से तुरंत डिस्पेंसर का नारा देंगे, भारत माता की, भारत माता की। सभी अपने अपने घरों को जाए प्लीज। ये जो तस्वीरें हैं, और सुबह से लेकर अब तक पुलिस के आला अधिकारी इस धरना प्रदर्शन को खत्म करने की अपील कर रहे हैं, पुलिस के मुखिया, पुलिस कमिश्नर अमोल पटनायक अपील कर रहे हैं और उनका मजाक पुलिसकर्मी उड़ा रहे हैं, ये किस किस्म की स्थिति बनती हुई जा रही है? आखिर क्या इन तमाम लोगों पर, पुलिसकर्मियों पर रोकथाम के लिए, दबाव के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं? मैं इस पर आऊंगा और समझने की कोशिश आपसे करूंगा भी, सूर्य कुमार शुक्ला जी। मगर एक मिश्रा जी आपकी तरफ आऊं, उससे पहले जितेंद्र चौधरी जी अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। सवाल इस बात का नहीं कि अगर उस वक्त हुआ तो आज क्या जस्टिफिकेशन किया जा सकता है। सर सुन लीजिए मेरी बात, जो प्रथम दृष्टा लगता है हमको ये
एक पार्किंग का विवाद था। अरे पुलिस का काम क्या शांति व्यवस्था बनाए रखने की, वहां पे पार्किंग यदि उन्होंने गलत भी कर दिया तो उसका चालान काटिए, ये थोड़ी 50 पुलिस वाला है उसका यहां से कॉलर पकड़ा और उसको आतंकवादियों की तरह घसीट दिया। सर लाते सुनिए सर, लॉकअप में ले गए और उसके बाद जो क्या होता है, वकील वहां बात करने जाते हैं तो उनको धमका सटका के उन पर डंडा बरसाया जाता है। आपको लगता है कि ये पहली बार ऐसा होता है, ऐसा हुआ है सर? देखो आपको ऐसा लगता है, कोर्ट आप भी जाते हैं, पुलिस हो या फिर वकील हो, वहां ऐसी चीजें अक्सर बेशतर होती रहती सर, है ऐसा नहीं, जहां पर गाड़ी नहीं पार्क होना चाहिए वहां पर होती रहती है, चालान करे ना, छोटे मोटे क्लैशेस चलते रहते हैं, हैबिट हो चुकी है सर। पुलिस को कानून हाथ, ना पुलिस को ना वकील को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, ये थोड़ी तुम मारपीट कर दो, उसका चालान कर देना चाहिए था, उसकी गाड़ी सीज कर देनी चाहिए थी, उसकी गाड़ी को उठा के ले जाना चाहिए था, ये थोड़ी उसको घसीट के 50 पुलिस वाले लॉकअप में डाल दे, ये गलत है। पुलिस का व्यवहार अच्छा नहीं था, वकील प्रोपेगेंडा फैला करके कि एक वकील को मार दिया गया, पुलिस ने गोली मार दी और मर गया, इसकी बुनियाद पर गाड़ियां जलाई जाए। मेरी बात पूरी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, वकील अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या नहीं करेंगे, अपना बचाव नहीं करेंगे, जब उस पुलिस उस 50 पुलिस वाले उस वकील को पीट रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या वहां जाना गलत था क्या? उसके बाद सरकार क्या कर रही है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, एलजी क्या कर रहा है, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया सर, अभी रुकिए सर, अभी आपके निगाह में जो कुछ रिएक्शन के तौर पर किया गया, गाड़ियां जलाई गई वहां पर, पुलिस कर्मियों को मारा गया, वकील के साथ में भी, वकीलों के साथ ये चीजें हुई सर, इसको जस्टिफाई आप कैसे कर सकते हो? ये कैसे सही साबित हो सकता है? इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और सर वायलेंस के अगेंस्ट में वायलेंस किया गया और केंद्र सरकार को तुरंत इंटरव्यू करना चाहिए, ठीक है, ठीक है सर, मैं ठीक है, ठीक है। रमेश मोहन जी जिस प्रथा की शुरुआत बात बात पर अरविंद केजरीवाल धरना प्रदर्शन करने आ जाते थे, मुख्यमंत्री रहते हुए भी आकर के धरना प्रदर्शन में बैठ जाते थे, क्या उसी चीजों को अब दूसरे लोगों ने भी सीख लिया, वकीलों ने सीख लिया, पुलिस कर्मियों ने सीख लिया है? लेकिन पिछले 3 दिनों से अरविंद केजरीवाल खामोश बैठे हुए हैं, वैसे पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि साथ दिल्ली पुलिस हमारे साथ होनी चाहिए, अब तो खामोशी है क्यों? जरा मूल प्रश्नों को आप समझ लें और उसके बारे में चर्चा कर लें। ये जो विवाद हुआ, जहाँ तक अरविंद जी की बात है, वो घायल वकीलों को देखने अस्पताल में भी गए थे, बाकी किसी राजनीतिक दल के नेता ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि जाकर के वकीलों का जो घायल हुए हालचाल ही पूछ लें, पुलिसकर्मियों का भी देखा। जरा प्लीज मानसिकता की तरफ जाइए। आज जो पुलिस के लोगों ने प्लेकार्ड दिखाया कि हमें किरण बेदी जैसा पुलिस कमिश्नर चाहिए, और ये अमूल्य पटनायक जी के सामने हो रहा था, इसका मतलब वो किस चीज को चाहते हैं कि हम बेखौफ किसी पे भी लाठी चार्ज कर सकें लेकिन कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये कौन सी मानसिकता है? कि नहीं, किरण बेदी जैसा चाहिए जो हमें ऑर्डर देती थी कि घुस के मारो। दूसरी बात, जहां तक ये आपका नरेशन सही है, जहां तक वकील आपका नरेशन सही है, उन्होंने ये कहा कि साहब हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, डीसीपी आकर के बात कर रहे हैं, हमें पुलिस कमिश्नर से बात करनी है, अपने मुखिया से बात कर रहे हैं, वो आ नहीं रहे, वो डिमांड क्या कर रहे थे, और ऐसे में कह रहे कि ऐसे में घर के मुखिया को ऐसा होना चाहिए जो साहसी फैसला ले सके, जो आए हमसे बात करे, हमारे दुख में शरीक हो सके, अमल पटनायक नहीं आ रहे। अरे सुनिए, किरण बेदी को तो याद किया जाएगा, डिमांड क्या कर रहे हैं? मैं मानसिकता की बात कर रहा हूँ कि एक वो लेडी थी जो अगले 20-50 साल के बाद में आप मोदी जी को क्या याद नहीं करेंगे कि एक साहसी फैसला लिया धारा 370 हटाने का? अब इस पे मैं, आप ही लोग इस बात को कहते हैं। मैं वकीलों की तरफ आना चाहता हूं। जो वकील साहब लोगों ने किया उनको तो समझना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं पुलिस वालों को मार रहे हैं, एडवोकेट्स एक्ट के कोड ऑफ एथिक्स का सीधा वायलेशन है कि आप सड़क पर किसी को मार रहे हैं। अरे आप तो सीधे सीधे उसको कटघरे में खड़ा करके कोर्ट से सजा दिलवा सकते हैं। दोनों तरफ से हुआ ना, तो सवाल ये कि एक दोनों ही कानून के जानकार हैं, और सवाल ये कि इंसाफ दिलाने के लिए, जुर्म के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दोनों भागीदारी होती है, उसके बाद ये विवाद, वही लोग ये कर रहे हैं। ये विवाद इस स्तर तक इसलिए पहुंच गया क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व एकदम खामोश रहा, वो ये देखता रहा किधर मुड़ेगा किधर मुड़ेगा किधर, और ये आम आदमी पार्टी पर लागू नहीं होता है। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए यहां पर इंटरफियर करना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि तुरंत बात आ जाएगी कि जब कानून व्यवस्था आपके हाथ में नहीं, केंद्र सरकार का मामला है, तो आप क्यों उछल रहे हैं? इसलिए अरविंद पुलिसकर्मी आम नागरिक नहीं है, इसलिए आम नागरिक नहीं है, नहीं दिल्ली में वो नहीं रहते, नहीं नहीं बिल्कुल रहते हैं, और वो जिस काम को कर सकते थे, घायल वकीलों का हालचाल जानने के लिए जा सकते थे, वहां वो गए, और अदालत ने जो न्यायिक जांच का निर्णय लिया है उसका इंतजार तो दोनों पक्षों को करना चाहिए था। मगर उसका इंतजार अगर नहीं कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? अब एके मिश्रा जी, जो कुछ हो रहा है
ये विडंबना नहीं बल्कि बहुत ही अफसोसनाक है और शायद शर्मनाक भी है, या फिर यह कहा जाए कि पुलिस की मुखिया, या फिर यह कहा जाए कि बार एसोसिएशन या बार काउंसिल शुरुआत में अगर सख्त हो गया होता तो शायद इतनी बड़े स्तर तक ये मामला नहीं जाता। जब बार देखिए, इस डिबेट का टाइटल अगर हम लोगों ने रखा होता ना कानून वर्सेस कानून, तो शायद हमारे किसी भी पैनलिस्ट को दिक्कत नहीं होती। जैसे हमारे वकील साहब ने आरोप लगा दिया आपके ऊपर और सबके ऊपर कि भाई आपने एक नैरेटिव सेट कर दिया। कानून की जो देवी है, जो मूर्ति हम देखते हैं अदालत में तराजू लेकर के खड़ी रहती हैं और जिनकी आंखों पे पट्टी बंधा रहता है, पुलिस और वकील, मैं मानता हूं कि ये दोनों ही उनके पुत्र हैं और ये दोनों पुत्र कानून वर्सेस कानून, मैंने इसलिए बोला कि दोनों ही संविधान से संचालित होते हैं। संविधान को लागू करने का पहला कर्तव्य जो होता है इन दोनों लोगों का होता है। कोर्ट के लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में दो चीजें होती है, एड वेलरम और एब इनिशिया। इन्हीं चीजों पे यह है। एड वेलरम का मतलब होता है मोरल, बेस्ड ऑन मोरल, इथिकल वैल्यूज। यहां पे शुरू में इस चीज का भी बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ है। दूसरा चीज यह है एब इनिशिया, वकील साहब बैठे हैं, एब इनिशिया आप देखिए, बवाल केवल पार्किंग का था। वहां पे दिल्ली पुलिस और जो वकील साहब थे दोनों लोग बुद्धिजीवी थे, और जिस तरीके से संविधान में क्या लिखा है, कौन सी धारा है वो छोड़िए, ये सीधे सीधे जो हमारे यहाँ के जस्टिस का जो बेस है कि बेस्ड ऑन वैल्यू मोरल, वो भले लिखा हो या ना लिखा हो, दिक्कत ये आ रही है ना कि हमने हर चीज की गाइडलाइन किताबों में, ऑफिस के दफ्तरों में लिख दिया है, जिंदगी में हमने उतारा नहीं, जिसके कारण ये दिक्कत अपनाते नहीं। सुनिए सुनिए, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज मुझे क्या है, मुझे देखना ये है ना कि जिस हिसाब से ये दोनों कानून के रखवाले हैं ना, पुलिस और वकील, इसमें फैसला क्या आता है, इस मामले का निपटारा कैसा होता है। और एक क्वेश्चन है, वकील साहब भी बोल रहे थे और पुलिस वाले भी बोल रहे थे, दूसरे हमारे जो है विद्वान जितने लोग बैठे हैं, सुन लीजिए इसको कंप्लीट। जब सड़क पे किसी का मर्डर होता है तो पुलिस इतनी तेजी से गोली नहीं चलाती है, आती भी नहीं है, फोन भी नहीं उठाती है। और ये वकील साहब जो बोल रहे थे ना कि हम जनता को बचाते हैं, अरे कितने लोगों का, ऐसे लोगों का आप केस लड़ते हो, वकील भी तो वही होते हैं जो केस में हेरा फेरी करके करते हैं। तो ये विडंबना ही है, या फिर यूं कहा जाए कि आजाद भारत के 71-72 वर्षों में ब्रिटिश राज के बीच में उस वक्त जो पुलिसिंग का गठन किया गया, उस एक्ट में अब कई सारी चीजों में बदलाव की जरूरत है जो बेहद ही जरूरी है, क्या उसे किया जाना चाहिए जो अब तक डिले होता आया है, क्या ये भी एक बड़ी वजह है पुलिसिया डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के फ्रस्ट्रेशन के, और उसकी वजह से भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगती, उसकी वजह से जब उन्हें छुट्टियां नहीं मिलती, जब ओवरटाइम करते हैं और कई सारी दुश्वारियां होती, तो क्या ये भी एक फ्रस्ट्रेशन लेवल को बढ़ाता है। और ऐसे में जब कोई सामने होता है तो फिर अपने ही अंदाज में, जिस अंदाज में ब्रिटिश राज में पुलिस रोल करती थी आज भी वैसा ही कर रही है। हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए, एक बार फिर से चर्चा की तरफ रुख करते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है, एक मिश्रा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इस स्थिति को रोकने के लिए डे वन के बाद पहले दिन वहां पर 30,000 कोर्ट पर सब कुछ हो गया, दूसरे दिन क्या इस पर रोक लगाई जा सकती थी, क्या दोनों पक्षों के लोग को बिठा करके बातचीत किया जा सकता था, दोनों ही तरफ से क्या इसमें कोताही बरती गई, और बजाय इसके वकीलों ने अगले दिन पुलिस महकमे के ऊपर किस तरीके से, पुलिस विभाग के कई पुलिसकर्मियों पर अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से डंडे बरसाए, वो क्या दर्शाता है। देखिए जब्बार, कानून की जो देवी है, जो मैंने बताया कि हर अदालत में होती है, ये दोनों पुत्र हैं, वकील और पुलिस, मैं इनको पुत्र मानता हूं, इन दोनों ने ही मिल करके जो किया, कानून की देवी का चीरहरण कर दिया। आप मुझे ये बताइए, हाई कोर्ट मतलब कानून का मंदिर हो गया। यहाँ पे अगर ये चाहते जो बार एसोसिएशन के हेड होते हैं और पुलिस के जो भी हेड होते हैं, मिल करके बड़े आराम से ये मामला सुलझा सकते थे। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो कोई और एक ऐसा जिम्मेदार आदमी जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या कहीं से भी रिलेटेड हो, सरकार से रिलेटेड हो, वो इंटरवेन करके दोनों चीजों को कर सकता था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या जानते हैं, वो जो दोनों पड़ले होते हैं ना, कानून के जो देवी होती हैं, पुलिस वाले कभी पुलिस का भारी कभी वो, जिसको जहां मौका मिला उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, वकीलों ने भी किया, पुलिस ने भी किया, जहां मौका मिल रहा है कर रहे हैं, बात इसीलिए बिगड़ गई। और इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, क्या क्या पूरी पुलिस के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, या पूरे वकीलों के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है? उनके यहां भी तो बार एसोसिएशन होता है, जज होते हैं, एक हायरार्की होती है। और इन सबसे बड़ी बात, जो एक ऐसी चीज है जो पुलिस और वकील और सारे महकमे को कंट्रोल करती है, जो मैंने आपको बोला मोरल और वैल्यू, जो गायब हो गई है। आपने जो अभी बोला पुलिस एक्ट, ये सब अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें हैं, जिस संविधान लिखा है।
हम लोग मूर्ति की तरह, स्टैचू की तरह, रोबोट की तरह काम कर रहे हैं, भावनाएं गायब हो गई हैं, हम ड्यूटी की तरह ड्यूटी कर रहे हैं और उसको अपना एकाधिकार हम वहां समझने लगे हैं। ठीक है, यही चीज यहां पे हुई है। ठीक है, सूर्य कुमार शुक्ला जी, आज सुबह से आप भी लगातार देख रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर को आकर के, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को आकर के दरखास्त करनी पड़ रही है अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों से, धरना खत्म कीजिए साहब, घर जाइए। इतने सारे निर्देश, इतने सारे इंस्ट्रक्शन के बावजूद अगर पुलिसकर्मी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं तो क्या माना जाए इसे? इसे ये माना जाना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट को अनुशासन के नाम पर जितना कंट्रोल रखा गया है उन पर, वो जिस प्रकार से उनको हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं दी जाती, जिस प्रकार से ड्यूटी के घंटे बहुत बार उन्होंने कहा लेकिन आज तक ड्यूटी के घंटे निर्धारित नहीं किए गए, और जो कोई थोड़ा सा भी आवाज उठाता है उसको तुरंत पुलिस की रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट कि तुम्हारे पास, तुम्हारी कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारे इसके कारण ये समस्या पैदा हो रही है। और मेरा इतना विश्वास है कि पुलिस की जो वाजिब बातें हैं, क्या इसका मतलब सरकार कोई नया एक्ट नहीं ला रही है, सरकार उनको सुविधा नहीं दे पा रही है, सरकार उनकी मांगों को पूरी नहीं कर पा रही है, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल इस अंदाज में निकालेंगे? प्रश्न ये है कि बहुत साल से, पिछले 35-36 साल से तो मैंने स्वयं ही देखा कि बहुत साल से पुलिस के कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमसे 8 घंटे नहीं, तुम हमसे 12 घंटे ड्यूटी करा लो, लेकिन कुछ तो निर्धारित कर दो। और पुलिस के अधिकारी भी उस बात को इग्नोर कर देते हैं, सरकार भी इग्नोर कर देती है। इसी तरह वो कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी दे दो, प्राइवेट कंपनी भी छुट्टी देती है, वो भी नहीं सुना जाता। अब इसमें क्या है कि वकील लोग ग्रुप बना करके, प्रेशर बना करके पुलिस पर तो सस्पेंशन और एक्शन करा देते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से इस प्रकार का दबाव कभी नहीं बन पाता था। ये उसका परिलक्षित हो रहा है परिणाम कि जब एक तरफा प्रेशर ग्रुप काम कर रहा है, वो जान रहे हैं, उनको भरोसा नहीं है, वो सोचते हैं कि अरे वकील लोग दबाव बना करके जज साहब पर भी एक तरफा फैसला करा देंगे, हमारे खिलाफ लिखा देंगे, इसलिए पुलिसकर्मी इकट्ठा होकर इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा कहना है ये दूसरी चाहिए थाने में पुलिस वाले, मेरा कहना है कि जो हम चाहेंगे, आप सिर्फ एक ही पहलू पर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आप दोनों पहलुओं पर बात नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों को मिलकर मगर सर बैठक करके जो लोग भी उद्दंडता कर रहे हैं, चाहे वो वकील है चाहे पुलिस है, उन पर आप डीजीपी जैसे उच्च पद पर रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली कैसी होती है? रोड पे चलते हुए आम आदमी से या मोटरसाइकिल चलाने वाले को जब रोकते हैं, सबसे पहले बदतमीजी से उसके साथ बात करते हुए उसके मोटरसाइकिल की चाबी निकाल करके 2 गाली उनके मुंह से निकलती है। क्या इन तमाम चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है? आम आदमी, आपने सुबोध कुमार हत्याकांड, वहां पर जो व्यवस्था थी, क्या उसको रोकने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी पुलिस के पास में? बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो एग्जांपल के तौर पर यहां पर सेट होती हैं। सवाल यह है कि ये बदलाव कैसे आएगा पुलिस महकमे के अंदर? मैं आपकी बात से 101% सहमत हूं कि पुलिस के द्वारा जो अभद्रता पब्लिक के साथ होती है उसके लिए एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाने के लिए पुलिस सुधार आयोग में संशोधन की गई थी। आज तक जिलों में वो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी नहीं बनी कि मतलब पुलिस अगर कोई बदतमीजी करे, पुलिस का कोई कर्मचारी बदतमीजी करे तो उसके लिए तुरंत शिकायत हो, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन उनकी जो वाजिब बातें हैं जैसे छुट्टी की बात, ड्यूटी आवर निर्धारित करने की बात, वो भी अलग सुनी जानी है। यानी कि पुलिस पर सवाल ये है लगे और उनका वेलफेयर भी देखा जाए। ठीक है, और ऐसे में जितेंद्र चौधरी जी, अब सवाल यह है कि 71-72 वर्ष हो गए आपकी पार्टी ज्यादातर देखा जाए तो देश के अंदर रूल करती आई हुई है, क्या इस महकमे के अंदर बदलाव की जरूरत को कांग्रेस पार्टी ने अब तक महसूस नहीं किया था? जनता के साथ में पुलिस का संवाद का स्तर कैसा होता है, आप भी देखते होंगे अपने क्षेत्रों में जाकर के, इलाकों में जाकर के लोगों की शिकायतें सुनकर के महसूस होता होगा। ये तो शहरी इलाके जहां ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, गांव देहात में किस किस्म की चीजें होंगी? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, जब बार जी कांग्रेस 70 साल में कांग्रेस के जमाने में
सर कांग्रेस के जमाने में पुलिस इस तरीके से रोड पे धरना प्रदर्शन करने नहीं आई थी, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। सर सुनो, दूसरी बात, नहीं रुक जाइए आप, रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ उदाहरण जो सरकार के समय, अरे सुन तो लो, वर्तमान में सर जब आप ही की उस सरकार की टाइम की पुलिस ने कहा पहले किरण बेदी, बोलो चलो बोलो आप कहो, मैं आपको जवाब दूंगा, नहीं आप को इंटरव्यू आप रख लीजिए अपनी बात, आप रख लीजिए, करना इसलिए जरूरी था कि आप गलत मैसेज मत देखिए। वर्तमान में सरकार आपकी, पुलिस आपके हाथ में। मैडम मुझे आप बताइए, जो कोई मुद्दा उठाता है उसको आप 70 साल पीछे ले जाते हो। अरे रोड पर जब आप गाड़ी चलाते हो, आगे देख के चलाते हो या पीछे देख के चलाते हो, मुझे बताइए आप, ये क्या मतलब हुआ? अच्छा, हर बात कांग्रेस के ऊपर थोप देते हो आप। तो अरे वर्तमान में सरकार आपकी, जब गृहमंत्री आपका, जब गाड़ी समय के अनुसार आगे चलती जा रही है, ऐसा नहीं होता है, आपके प्रवक्ता ऐसा नहीं होता है, आप निष्पक्ष, आप पब्लिक के साथ बात कर रहे हैं, पुलिस वाले परेशान है, प्रशासन परेशान है, वकील परेशान है, झगड़ा हो रहा है, आप मजे ले रहे हो, ये कौन सी बात है? आप समझाने वाली बात नहीं कर रहे, आप गलत मैसेज, आप तो सिर्फ आपका काम तो ये है, कांग्रेस के जमाने में क्या हुआ, सपा के जमाने में क्या हुआ, बसपा के जमाने में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, इस डिबेट से लगा आपके पास कोई डिबेट नहीं है। अरे वहां लोग मारे जा, आपस में लड़ झगड़ कर तैयार हो रहे, आप कोई सुलझाने वाली बात नहीं कर रहे ना, आपकी सरकार ने पहल किया। मेरा तो निवेदन बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, सुन लीजिए, मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इंडिया ने कह भी दिया कि वकील जो है कानून को हाथ में ना ले और कानून व्यवस्था बनाए रखें। ऐसे ही पुलिस वालों के भी जो कमिश्नर है उनको भी कहना चाहिए, परंतु जिस तरीके से आज मैंने देखा हरियाणा पुलिस के एसोसिएशन में जो सहयोग किया उसमें कुछ पुलिस वाले बोल रहे थे यदि वकील नहीं मानते या तो सुधर जाते हैं, नहीं मानते तो उनको दुबकने की जगह नहीं रोगी, ये पुलिस की भाषा नहीं हो सकती, उनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को सही बनाए रखे। ठीक है, ये किस्सा उसी दिन खत्म हो जाता, मगर एक पॉइंट, ठीक है सर, ये किस्सा उसी दिन खत्म हो जाता यदि केंद्र सरकार और गृह मंत्री इंटरव्यू कर देता, दोनों पक्षों को समझाते थे, क्योंकि बीच में इतवार पड़ा था, शनिवार की बात थी, तो इतना मामला ही नहीं बनता। ठीक है, मामला को बढ़ाया, मगर ये तो है ना, एक ठीक है सुन लेते हैं, एक और बयान आ रहा है पुलिस मुख्यमंत्री की तरफ से, कम से कम 25,000 की न्यूनतम राशि दिल्ली पुलिस द्वारा दी जाएगी। कल दिन का जो साकेत कोर्ट का जो इंसिडेंट था, आपको पता होगा कि उसमें FIR दर्ज की जा चुकी है और उस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज ही काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने आप सबकी जो बातें हैं वो सुनी हैं, आगे निरंतर इस पर काम चलता रहेगा। आप एक डिसिप्लिन फोर्स की तरह, अब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक डिसिप्लिन फोर्स की तरह अपनी वर्दी का, अपनी फोर्स का मान रखें और शांतिपूर्वक यहां से एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हुए वापस अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पे जाएं। मैं आपको फिर से कमिश्नर साहब की तरफ से विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि आपकी जो ज्यादातर बातें थी उन पे कार्रवाई की जा चुकी है और आगे निरंतर इस पे कार्य चलता रहेगा। अब फिर से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप सब जो लोग यहां से शांतिपूर्वक डिस्पर्स होकर अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पे जाएं, अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करें। जय हिंद। आप पुलिस विभाग की तरफ से जो दिशा निर्देश अपने महकमे के लिए जारी किए जा रहे थे, हम आपको वो सुनवा रहे थे, मगर इन तमाम चीजों के बीच में रेणु भाटिया जी, जो पीड़ा पुलिस विभाग की भी है, ठीक है एक अलग पहलू यह है, लेकिन इस पर अगर बात करें, क्या मौजूदा 5-6 वर्षों में इस पर कोई काम नहीं हो जाना चाहिए था? जैसे कि ड्यूटी आवर्स है तय ही नहीं है, ओवर टाइम का पता ही नहीं चलता है, पुलिस को छुट्टी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सारी चीजें ऐसी जिसकी वजह से कई सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें आत्महत्या तक पुलिस वाले करते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के क्या एक बार फिर से इसको रिव्यू करने की जरूरत नहीं? बिल्कुल जवाहर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आखिर पुलिस वाले भी इंसान हैं और वो हमारे बीच में से ही निकल कर आगे पुलिस में भर्ती हुए हैं। आपने जो कहा कि क्या पुलिस के लिए इस तरह से कोई ड्यूटी आवर्स या छुट्टी तय नहीं होनी चाहिए, मुझे शायद थोड़ा मैं कंफ्यूज तो हूँ, पर मुझे जितना ध्यान आता है, एक डिबेट मैंने इस पर की थी एक बार, 2 या 3 साल हो गए होंगे इस बात को, जिसमें ये विषय आया था कि पुलिस वालों को भी एक छुट्टी मिलनी चाहिए और अगर बहुत अर्जेंट उनका कुछ इस तरह का प्रोसीजर चल रहा है, उस टाइम कोई ड्यूटी चल रही है, तो उस छुट्टी को पेंडिंग रख के एक्सटेंशन किया जाना चाहिए, ये एक बार चर्चा भी हुई थी इस पर। आगे क्या हुआ मुझे पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए गलत जानकारी नहीं दूंगी। तो मेरे को लगता है इस पर सरकार ने कुछ इसके ऊपर एक्शन भी लेने का स्टार्ट किया था
और जहां पर बात मतलब आती सरकार, है आज सरकार सरकार की नाकामी रही ना अगर पांच वर्षों में देखा जाए नाकामी अगर उस पर कोई आउटपुट नहीं दे सके। देखिए जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उसके ऊपर क्या फैसला हुआ मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं गलत वो नहीं दूंगी, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। पांच साल की बात है, दो तीन साल की बात है। दूसरी बात, आपने अभी मुझसे जो बात हम कर रहे थे कि पुलिस और वकील दोनों लोग एक जिम्मेदाराना पद पे हैं, जिस तरह से लड़ाने का काम करते मुखियाओं ने एक बात को रखा कि जो भी फैसला होगा शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए, उसी तरीके से पुलिस कमिश्नर की ओर से जो ये अभी जो सरकार नाकाम रही है, मुझे ऐसे लगता है कि दोनों ने जो गलती की उस चीज को यहीं खत्म करके दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। और जिस सवाल तो वही है, जिस बात के लिए इतनी बात बड़ी है उसको एक ऑन द टेबल ऑन रिकॉर्ड बैठ के खत्म। सवाल वही है रमेश मोहन जी कि दोनों ही विभाग के लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं, दोनों ही लोग ये कहते हैं कि साहब हम निर्दोष हैं, दोनों ही विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, दोनों ही विभाग के आला अधिकारी या उच्च स्तर के लोग ये कहते हैं कि साहब आपके साथ में इंसाफ होगा, तो फिर गलत कौन है यहाँ पर? मुश्किल ये है कि दोनों ही लोग कानून भी जानते हैं, वकील साहब लोग भी जानते हैं और पुलिस भी जानती है। एक बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया पुलिस रिफॉर्म्स का, ये वास्तव में कई दशकों से पेंडिंग है और जब भी सरकारें आई हैं तो पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बात तो हुई है लेकिन कोई टेंजेबल स्टेप जिसको कहते हैं देखने लायक नहीं उठाया गया। यहाँ मैं पुलिस वालों की बातों से सहमत हूँ, उनके ड्यूटी आवर्स इनह्यूमन तरीके से, चाहे दशहरे का मौका हो चाहे बकरीद का मौका हो, पुलिस वाले के लिए कोई दशहरा नहीं कोई बकरीद नहीं, तो जो वो फ्रस्ट्रेशन है वो तो सामने आता है लेकिन फ्रस्ट्रेशन इस रूप में भी सामने नहीं आ जाना चाहिए कि आप अपनी मर्यादा की सीमा लांघ करके इस प्रकार से लड़ाई झगड़े सड़क पर ले आए। आप देखिए इससे जनता के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जनता के ऊपर इससे ये फर्क पड़ेगा कि हम तो निरीह हैं, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो सकती, हमें तो थाने में भी उतना ही झेलना है जितना जाकर के अदालत में जाना है। तो इन दोनों कानून का पालन करने और कराने वाली संस्थाओं को जनता में जो विश्वास पैदा करना चाहिए ये चुनौती अब उनके सामने है। देखिए जुडिशियल प्रोसेस जो चल रहा है वो चलेगा, अभी पुलिस के अधिकारी ने कहा कि FIR दर्ज कर ली गई है उन साकेत वाले लोगों के खिलाफ, वो FIR की जो कार्रवाई है वो चलेगी। अब सिर्फ इसमें इतना ही है कि अब शायद सड़क पर कोई लड़ाई नहीं होगी परंतु जनता का विश्वास जीतने के लिए इन दोनों संस्थाओं को, पुलिस और वकील दोनों संस्थाओं को जो करना चाहिए वो किया जाना बाकी है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा अपनी टीम से कि AK मिश्रा जी को फुल स्क्रीन पर लेकर आए, थोड़ा सा वो बताएं और समझाएं लोगों को कि आखिर इस मसले की, इस समस्या की असल वजह और जड़ क्या है, आखिर ये विवाद जो छोटा सा शुरू हुआ इतना विकराल रूप कैसे लेता चला गया, इस बीच में तमाम सियासी पार्टियां खामोश बनकर के तमाशा देखती रही, जो कंसर्न विभाग है या सरकारें हैं वो चुपचाप बैठी रही, ऐसे में गलती किसकी ज्यादा है और क्या होना चाहिए था, और पुलिस रिफॉर्म को किस तौर पर आगे आने वाले दिनों में वो देखते हैं। एक मिश्रा जी, जब्बार मैं आपको बताऊं, हमने आपको बोला है कि हमारा एजुकेशन एक्ट जो है पुलिस एक्ट भी अंग्रेजों के जमाने का है, संशोधन हुए हैं लेकिन उसका जो बेस है, जो मूलभूत सिद्धांत है वो आज भी सेम है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट सेक्टर में 8 घंटे का जो 8 आवर पर डे का वर्क का कॉन्सेप्ट था वो टाटा ने लागू किया बहुत पहले। ये सारी चीजें सही है, मैं मानता हूं 24 घंटे की ड्यूटी है, कोई छुट्टी नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन उनको होता है। सबसे बेसिक पॉइंट क्या है जानते हैं, गुलामी के बाद जो हम लोगों का हुआ, जो वैल्यू, जो मैंने बोला है ना, हर जगह कानून नहीं चल सकता है, कितने कानून आप बनाएंगे, कानून की कमी है क्या? जब पुलिस की ट्रेनिंग होती है, आपने अभी बोला कि पुलिस का बिहेवियर कैसा होता है या वकीलों का भी बिहेवियर हमने देखा, फिर कभी हम और डिटेल में बात कर लेंगे। पूरे कानून में बिहेवियर को, वैल्यू को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो चीज कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से, पुलिस की ट्रेनिंग से या वकीलों की ट्रेनिंग से वो केवल एक ट्रेनिंग का हिस्सा रह गई या गायब हो गई। ऐसे सिचुएशंस पे अगर वैल्यू की बातें की जाए, उनको ट्रेन किया जाए तो बहुत सारी चीजें जो है सॉल्व हो सकती है। तो सबसे पहले जो कमी है, वैल्यू किसी भी प्रोफेशन में होना चाहिए, इथिकल वैल्यू, इथिक्स, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग ये इसी चीज पे होनी चाहिए, जो यहां दोनों पक्षों में मुझे एकदम। और सवाल यही है कि ब्रिटिश राज के वक्त में जिस पुलिस को, जिस काम के लिए, जिस तरीके से, जिस अंदाज के लिए बनाया गया, वही चीजें लगभग अंग्रेजों के लिए तो एकदम सुटेबल पुलिस है। अंग्रेज, जो अंग्रेजों ने तो यही किया था कि भाई पुलिस का मतलब यह है कि पकड़ करके पहले कोई इंडियन मिले उससे पूछो या मत पूछो, पहले डंडा चलाओ,
वो आदत शुमार हो गई है पुलिस में भी और हर संस्थाओं में मैं देखता हूं, क्योंकि सारी संस्थाओं का जो बेस है वो ब्रिटिश काल का है। मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, जिन्होंने भी ये बनाया है उठा करके हमने कॉपी कर लिया और वो हमारे प्रोफेशनल इथिक्स और बिहेवियर में भी डे टू डे दिख रहा है। ये प्रॉब्लम का रीजन यही है। आप कानून वगैरह बदलते रहिए, सारी चीजें आप करते रहिए, उसमें टाइम लगेगा। दूसरी पुलिस रिफॉर्म की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए ये होना चाहिए। 8 घंटे की ड्यूटी अगर सब करते हैं तो इतना रिस्की ड्यूटी किसी ना पुलिस से लिया जाए ना वकील साहब से लिया जाए, किसी से भी नहीं। ह्यूमन लाइफ की एक क्वालिटी होती है, वहां पे इस चीज को मेंटेन करना चाहिए। आप शिफ्ट रखिए ना, 24 घंटे अगर ड्यूटी है तो आप नंबर ऑफ पुलिस एम्प्लॉई बढ़ाइए। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, मैं उनसे पूछता है सवाल, नेता जब चाहते हैं मेज पर 2 बार थपथपा करके अपनी सैलरी मिनटों में बढ़ा लेते हैं, वो चीजें हो जाती हैं, लेकिन जो जरूरी विभाग है जैसा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म है, पुलिस एक्ट में जो रिफॉर्म है, वो आज तक 72 वर्षों में बड़े स्तर पर हो ही नहीं पाई है। उसका रीजन है मैंने आपको बताया, अंग्रेज चले गए, उनकी आत्मा रह गई। जब भी कोई नया कानून बना या बनता है या फ्यूचर में भी बनेगा ना, वो भारतीयता को यहां, आप एक चीज ये बताइए, ये पुलिस वगैरह को जो बंदूकें मिली हैं, ये भारतीयों के ऊपर गोली चलाने के लिए मिली है, ये तो अंग्रेजों का वो है ना। कितने आराम से आप लोग फायर ओपन कर देते हैं या डंडा किसी को मार देते हैं, आप ही के भाई हैं जो भारतीय नागरिक है, उनकी सुरक्षा के लिए आपको ये दिया गया है कि उनके साथ आप बदतमीजी से पेश आए। तो ये दोनों दो पहलू हैं कि जो कुछ हुआ उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, भले ही पुलिस कितनी बुरी व्यवस्था में उसका शिकार क्यों ना हो। मगर मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से मैं आपकी तरफ नहीं आ सका हूं। पहली चीज ये कि जो कुछ पुलिस कर्मियों ने किया उसका जस्टिफिकेशन कोई चीज नहीं हो सकती, मगर विदेशों में, कई सारे कंट्रीज में, यहां तक कि गल्फ में, सऊदी अरबिया में, जहां तक मुझे जानकारी है, दूसरे देशों में पुलिस का रवैया बहुत अलग हिंदुस्तान की पुलिस पुलिस विभाग से अलग होता है। बदतमीजियां, गाली गलौज या अननेसेसरी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, ये हमारी प्रवृत्ति का हिस्सा है क्या पुलिस विभाग में, या खत्म होगा कभी, या इसके लिए होना क्या चाहिए? देखिए बसब, ये एक फैशन सा हो गया है कि नंबर एक बात कि यह अंतर विरोध समाज में बहुत दिनों से मैं महसूस कर रहा हूं कि जैसे ही कोई आदमी आपका मुलजिम साइड में होता है, यानी आपका कोई रिश्तेदार अगर मुलजिम बन गया, तो उसको तुरंत लोग कहेंगे कि पुलिस को मारने का कोई अधिकार नहीं है, बहुत गलत कर रही है, बदतमीजी कर रही है। और अगर आपका कोई साथी वो आपका मुद्दई साइड में हो गया तो वो कहेगा कि अरे ये मुलजिमों को बिल्कुल मारपीट भी नहीं कर रहे, बैठाए हुए हैं दबाव की तरह। तो पुलिस तो इस अंतर विरोध में बहुत दिनों से जी रही है। और इलाहाबाद कचहरी के अंदर एक दरोगा गवाही देने गया था, उसको पीट पीट करके वकीलों ने मार डाला, और तब से पुलिस का यह प्रॉब्लम मैं बहुत सुनता रहता हूं कि पुलिस के लोगों में ये भावना है कि वकील इतना अनुशासनहीन हो गए हैं, उनका कोई कंट्रोलिंग बॉडी ही नहीं है। नहीं, जो बार एसोसिएशन, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम है, कोई आदमी, सूर्य कुमार शुक्ला जी, एक मैं बहुत गंभीर और बहुत संवेदनशील बात आपसे समझना चाह रहा हूं, जो जुडिशियल सिस्टम है, अदालतें, पुलिस, वकील वर्सेस पुलिस या कुछ जब होता है तो क्या वकीलों को फेवर मिल जाता है इस जुडिशियल प्रोसेस के अंदर, इसलिए उनके खिलाफ में बड़े स्तर पर कार्रवाइयां नहीं हो पाती, कैसे समझें इसको? आप याद करिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में घटना हुई थी जिसमें जज साहब, हाई कोर्ट के जज साहब की मेज पर लोग चढ़ गए और चढ़ करके खूब नंगनाच किया, खूब तोड़फोड़ की, और उसके बावजूद सारे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ये हुआ कि अच्छा ठीक है, मतलब एसोसिएशन के लोग आ गए, क्योंकि बार एसोसिएशन तो उन्हीं के द्वारा चुनी हुई होती है, तो वो स्वाभाविक है वकीलों का अगर पक्ष नहीं लेगी तो वो वकील लोग उसको क्यों वोट देंगे। इसलिए कोई ऐसी बॉडी देश में नहीं है जो इसको ठीक से नियंत्रित कर सके, न्याय कर सके। जज साहब लोग खुद ही प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि वहां अगर जज 25-50 हैं तो वकीलों की संख्या 1,000, 2,000, 4,000 रहती है, और उसी कैंपस में उनको रहना होता है। कभी कभी कोई जो ज्यादा जजमेंट वकीलों के खिलाफ देने लगता है, उस जज की कोर्ट का बायकॉट कर देते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हम जब बौद्धिक विचार विमर्श में बैठे हैं, तो पुलिस अगर कोई गलती करती है, बदतमीजी करती है,
तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे में जी, और अगर वकील गड़बड़ करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, मैं एक एक लाइन में आप लोगों से कमेंट लूंगा। अब ऐसे में जितेंद्र चौधरी जी, आप बड़ी विडंबना तो है ही, लेकिन उससे बड़ी विडंबना यह है जिन बातों पर जिक्र AK मिश्रा जी और सूर्य कुमार शुक्ला जी कर रहे हैं। देखिए, मेरा तो मानना यह है, जितना ये विवाद हुआ, जो बढ़ गया, जो जितना भी अब इसको कम करना चाहिए, सरकार को इसमें बिल्कुल दखलंदाजी देनी चाहिए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी दखलंदाजी देनी चाहिए, यहाँ की लोकल बार के जो अध्यक्ष हैं उनको भी दखलंदाजी देनी चाहिए, पुलिस वालों के कमिश्नर को भी दखलंदाजी देनी चाहिए। एक लाइन में रमेश मोहन जी, झगड़ा यही खत्म हो जाए करना है, बार बार कहा जा रहा है, देखो आगे ना बढ़ने दे। रमेश मोहन जी, क्या बहुत देर कर दी? गृह मंत्रालय में रिपोर्ट तो गई है, लेकिन उसका क्या होगा, कब तक चीजें आएगी? बार काउंसिल ने चिट्ठी लिखी है, सख्ती से कहा कि साहब अब सुधर जाइए वरना हम इस केस को परस्यू नहीं करेंगे। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जुडिशियल प्रोसेस तो पहले ही दिन शुरू हो गया था, अगले दिन शुरू हो गया था। अभी तक जो ये मामला हुआ, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की राजनीतिक नेतृत्व की विफलता का उदाहरण है। उन्हें अभी भी संज्ञान लेकर के दोनों पक्षों को सामने बिठाने का प्रयास अभी भी करना चाहिए। ठीक है, AK मिश्रा जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, अब इस पर आप क्या देखते हैं और कहां कहां गलती? देखिए, अनकंट्रोल्ड, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ इथिक्स दोनों पक्षों के लिए लागू होता है। किसी की कंप्लेंट करनी है, अगर वकील ने गलत किया तो कंप्लेंट करे, तो कहां करे? कोई उसके लिए तंत्र या सिस्टम नहीं है, सेम पुलिस है। एक सिपाही ने गलती किया तो उसकी कंप्लेंट आप दरोगा से करेंगे और न्याय की उम्मीद करेंगे? तो इनके ऊपर कंट्रोल कैसे लगाए? डिसिप्लिनरी मेजरमेंट कौन है, क्या है? कोई बॉडी ही नहीं है। अभी भी यहां विद्वान लोग बोल रहे थे कि पुलिस की कंप्लेंट करनी हो, उसका कोई सिस्टम ही नहीं बना हुआ है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, इथिक्स नहीं होगा किसी प्रोफेशन में, ये प्रोफेशन कैसे टिकेगा? तमाम चीजों पर अंकुश लगना एक तरीके से बहुत मुश्किल होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रेणु भाटिया जी हमारे साथ में थे, जितेंद्र चौधरी जी आपका, रमेश मोहन जी आपका, AK मिश्रा जी आपका, अश्विनी दुबे जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, और सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो सवाल विडंबना के साथ में है, सवाल अफसोस के साथ में है, और सवाल हमारी सरकारों के नाकारापन पर भी है कि 72 वर्षों में जिस पुलिसिया रिफॉर्म का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं और हमारा पूरा पैनल जिसका जिक्र कर रहा था, आखिर वो अभी भी इंतजार के कटघरे में क्यों है? उम्मीद करेंगे इस घटना से सबक जरूर लिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अड़तालीस सत्ताईस घंटे की ड्यूटी लेते हैं हमारे से, हम कभी मना नहीं करते। हर बार दिल्ली पुलिस ही क्यों बलि का बकरा बनती है।